हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो चलो देखते हैं टॉपिक में क्या दिया है। कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट मिडीविल एंड मॉडर्न इंडिया। अब तक हमने स्टडी किया है हिस्ट्री में, तो 8th स्टैंडर्ड तक का हिस्ट्री हो सकता है, जिसमें आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ चुके हो, मिडीविल पीरियड का हिस्ट्री देख चुके हो, और अभी मॉडर्न इंडिया का भी। दिस ईयर वी हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। तो ये ईयर में हम स्टडी करेंगे इंडिया का हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इरा था, इंडिपेंडेंस के बाद का जो पीरियड था, मतलब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था, उसके बाद का जो पीरियड है, वैसे वहाँ पे वो पीरियड में इंडिया का हिस्ट्री क्या हुआ वो हमें स्टडी करना है। सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री में जो सोर्सेस थे, मिडिवल हिस्ट्री में जो सोर्सेस थे, उनसे थोड़े अलग सोर्सेस ये हिस्ट्री में पाए जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में वी कैन स्टडी हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेस लाइक रिटन सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस और सोर्सेस इन द ऑडियो विजुअल मीडियम। तो अलग अलग सोर्सेस से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी ये पीरियड की हिस्ट्री, जो रिटन फॉर्म में होगा, मटेरियल फॉर्म में होगा, ओरल फॉर्म में होगा या फिर ऑडियो विजुअल फॉर्म में होगा। इन द मॉडर्न पीरियड वी हैव टू टेक नोट ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ द रीजनल, स्टेट, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। तो हमें अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो रीजनल हो सकती है, स्टेट वाइज हो सकती है, नेशनल वाइज हो सकती है या फिर इंटरनेशनल लेवल की हो सकती है। वी कैन राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्सेज। और ये सोर्सेज की हेल्प से हम हिस्ट्री लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों लोग देखते हैं क्या है रिटन सोर्सेस। पहला पॉइंट रिटन सोर्सेस, द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड इन द रिटन सोर्सेस। तो कौन कौन से फॉर्म है जो रिटन फॉर्म में पाए जाते हैं? न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स, डायरीज, रेफरेंस बुक्स, करस्पॉन्डेंस, यानी लेटर्स वगैरह भेजना रहता है करस्पॉन्डेंस में, डॉक्यूमेंट्स इन आरचीव्स, जो आरचीव्स गैलरीज होती है वहाँ पे सेव किए हुए डॉक्यूमेंट्स होंगे, गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट रखे हुए कुछ बुक्स रहेंगे, डिपार्टमेंट्स रहेंगे वहाँ पे, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड इंसाइक्लोपीडियाज, यहाँ पे रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन पाई जाती है। ठीक है, तो इसे रिटन सोर्सेस कहा जाएगा। ओके, तो अभी आगे देखते हैं। सो डू यू नो, देखते हैं, द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व इज कॉल्ड आरचीव्स। जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व किए जाएंगे उसे आरचीव्स कहेंगे। ऊपर आरचीव से वर्ड आया है, यस। द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल आरचीव्स ऑफ इंडिया इज एट न्यू दिल्ली। मेन ऑफिस जो है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इट इज द लार्जेस्ट अमंग द आरचीव्स इन एशिया। एशिया में जितने भी आरचीव्स है उनमें सबसे बड़ा जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अभी चलो आगे का पार्ट देखेंगे। जस्ट एज न्यूज़पेपर आर कंसिडर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर जो है वो है न्यूज़पेपर, ऐसे कहते हैं। दे आर ऑल्सो मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन का एक मेजर मीडियम है मॉडर्न पीरियड में। इफ वी कंसिडर द पीरियड, अगर हमने पीरियड कंसिडर किया, अभी ये साइड में आना है हमें, फ्रॉम 1961 टू 2000 तक का पीरियड अगर कंसिडर किया, तो वी सी दैट इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में क्या हुआ, देर वॉज नो अल्टरनेटिव टू दी प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जो थे, न्यूज़पेपर, उनको कोई भी अल्टरनेटिव नहीं था, स्पेशली न्यूज़पेपर को अल्टरनेटिव था ही नहीं। तो जैसे कि अभी अल्टरनेटिव क्या है, हम न्यूज़ के लिए न्यूज़पेपर ज़्यादातर प्रीफर करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। तो आज के टाइम पे न्यूज़ के लिए हम अलग अलग मीडियम यूज़ कर सकते हैं, लाइक टेलीविज़न पे न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, रेडियो पे न्यूज़ सुन सकते हैं। सो अलग अलग ऐसे ऑप्शन है, मोबाइल से भी आप देख सकते हो न्यूज़। बट
पहले के दिनों में मतलब 1961 से 2000 तक का जो स्टार्टिंग वाला पीरियड था, तब टेलीविजन्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, रेडियोस भी ज़्यादा नहीं थे, तो फिर लोग न्यूज़ कैसे पता करेंगे? तो मैं मेजर सोर्स क्या था? न्यूज़पेपर का. विद द लिबरलाइजेशन एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, लिबरलाइजेशन एंड फ्रीडम, जैसे ही फ्रीडम मिला, वाइड स्प्रेड यूज़ मिला इंटरनेट का इंडिया में, अल्टरनेटिव फॉर प्रिंट मीडिया बिकम अवेलेबल. जैसे ही इंटरनेट अच्छा चलने लगा, मतलब वो तो लेटर पीरियड में था, लाइक 2000 या फिर 1990 के बाद में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट उसमें होना चालू हुआ था. तो जैसे ही नेट इंटरनेट का सर्विसेज अच्छे मिलने लगे, तो फिर ये बाकी के प्रिंट मीडिया जो है वो अवेलेबल होने लगे. अल्टरनेटिव द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी पावरफुल, फिर भी न्यूज़पेपर यानी प्रिंट मीडिया जो है वो पावरफुल है ही. तो चलो देखते हैं न्यूज़पेपर के बारे में. यहाँ पे भी थ्रू न्यूज़पेपर्स वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स. कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है बिकॉज ऑफ न्यूज़पेपर? तो यहाँ पे दिया है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अफेयर्स की, पॉलिटिक्स की, आर्ट, स्पोर्ट, कल्चरल अफेयर्स, सोशल अफेयर्स, ये सब. न्यूज़पेपर कंटेन मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, न्यूज़पेपर में ज़्यादातर मैटर वो कंटेंट्स होंगे जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होते हैं. मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशन. तो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने अपनी रीजनल वो रीजन के बेसिस पे एडिशन करना चालू किया है. दे पब्लिश सप्लीमेंट दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स, उन्होंने सप्लीमेंट्स भी लेना चालू किया है न्यूज़पेपर में, जिससे इंफॉर्मेशन मिलती है अलग अलग टॉपिक्स पे. न्यूज़लेटर ऑफ वेरियस मूवमेंट्स, द डेलीज ऑफ वीकलीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मंथली एंड एनुअल मैगजीन्स आर इम्पोर्टेंट अमंग द प्रिंट मीडिया. प्रिंट मीडिया में और भी क्या इंपॉर्टेंट है? तो न्यूज़लेटर्स बोले मूवमेंट्स के, देन डेलीज और वीकली पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ प्रिंट ऑप्शंस आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, मंथली और मैनुअली मैगजीन्स आते हैं. सो ये भी बाकी इंपॉर्टेंट प्रिंट मीडिया के ऑप्शंस हैं. सम न्यूज़पेपर प्रोड्यूस स्पेशल सप्लीमेंट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, कोई पेपर्स न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो ईयर एंड होने पे स्पेशल सप्लीमेंट निकालते हैं. पूरे ईयर में क्या हुआ उसका एक ओवरव्यू वो सप्लीमेंट में रहता है. पूरे ईयर का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स था, इम्पोर्टेंट कुछ भी इवेंट्स हुए रहेंगे, ओकेजन्स हुए रहेंगे, वो सब लास्ट फाइनल ईयर के सप्लीमेंट में वो आ जाएगा. सच सप्लीमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द ईयर, तो ईयर में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए वो हमें सप्लीमेंट से पता चलेंगे. तो ये न्यूज़पेपर का ऑप्शन यहाँ पे हो गया. अभी आगे दिया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पे जिसे शॉर्ट में कहा है PTI. आफ्टर 1953 द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड आर्टिकल्स ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. तो क्या इम्पोर्टेंट कहा है इसमें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में? सो 1953 के बाद में इनका एक मेजर रोल चालू हुआ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का. प्राइमरी डिटेल्स जो है ऑल इम्पोर्टेंट इवेंट्स की, आर्टिकल्स की, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की, उसके लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड रिपोर्ट्स. क्या करती है PTI? रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगी, फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करेगी, आर्टिकल्स प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल साइंटिफिक इश्यूज ऑफ न्यूज़पेपर. PTI हैज़ नाउ स्टार्टेड इट्स ऑनलाइन सर्विस, PTI की भी ऑनलाइन सर्विस भी चालू है. ड्यूरिंग द 1990s PTI स्टार्टेड यूजिंग द सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ टेलीप्रिंटर्स टू सेंड न्यूज़ ऑल ओवर द कंट्री. पूरे कंट्री में अगर न्यूज़ देना है तो पहले अलग ऑप्शन यूज़ होता था, टेलीप्रिंटर्स यूज़ होते थे, अभी सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. दिस मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. ये इम्पॉर्टेंट है मटेरियल क्योंकि मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री राइट करने के लिए PTI ये यूज़फुल होता है. इनके पास रिपोर्ट्स होंगे, फोटोग्राफ्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे जो फाइनेंशियल साइंटिफिक इश्यूज से रिलेटेड होंगे, जो न्यूज़पेपर या अदर प्लेस पे न्यूज़ देने के लिए यूज़ किए जाएंगे. तो PTI शॉर्ट नोट है, आपको ये समझ के लेनी पड़ेगी. तो डू यू नो में दिया है पार्ट, देखते हैं. अमंग द प्रिंट मीडिया द
The information contained in the annual issues of the publication division of the Government of India is authentic and trustworthy. जो प्रिंट मीडिया की बात करें, जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होगी एनुअल इश्यूज से, ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा एनुअल इश्यूज में, वो ऑथेंटिक होगी एंड ट्रस्टवर्थी होगी. फॉर एग्जांपल, द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट पब्लिश इंडिया 2000 एंड एनुअल रेफरेंस बुक. दिस रेफरेंस बुक इज क्रिएटेड अंडर रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. तो उन्होंने एक बुक क्रिएट किया, रेफरेंस बुक, जो रेफरेंस बुक था रिलेटेड क्रिएट किया गया रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के लिए. तो अगर उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी तो यूजफुल ही होगी, इंपॉर्टेंट ही होगी, ऑथेंटिक होगी, ट्रस्टवर्थी होगी. इट कंटेन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड, इट्स पीपल. अभी उसमें कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है? अबाउट द लैंड, अबाउट द पीपल, अबाउट द नेशनल इम्ब्लेम्स, अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम, अबाउट द डिफेंस, अबाउट एजुकेशन, अबाउट कल्चर इवेंट, and about an account of the development in the field of science and technology. Environment ke liye hogi, about the health, about family welfare, about social welfare, about media of mass communications along with basic data, about economics, about finance, about planning, about agriculture, about water reservations, conservations, rural development ke regarding, food and civil supplies ke regarding, energy ke regarding, industries ke regarding, trade and commerce related, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, कम्युनिकेशंस, लेबर, हाउसिंग, लॉस, स्टैचूज के रिलेटेड, यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड. ये सब इंफॉर्मेशन देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ पैरा, तो यहाँ तक वो लाइन कंटिन्यू थी कि क्या क्या उसमें इन्वॉल्व हो सकता है. इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी, ट्रस्टवर्दी होगी, ऑथेंटिक होगी, बट किसके बारे में? तो ये सब इतने पॉइंट्स हैं, इनके बारे में स्टडी होगी, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी जो ट्रस्टवर्दी होगी. इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ सच इंफॉर्मेशन. ऐसे इंफॉर्मेशन से हम हिस्ट्री लिख सकते हैं. तो एक साइट दी यहाँ पे, पब्लिकेशंस डिविजन्स डॉट निक डॉट इन. तो आप मुझे बताओ, यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं? ठीक है,